हेलो दोस्तों, टेक रॉक में आप लोग को स्वागत है और एक नया वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि अभी देख पा रहे हैं, मेरा पास है सैमसंग का एक सिंगल डोर और वालपुल का एक सिंगल डोर। ये दोनों रेफ्रिजरेटर आपका घर से 4 से 5 मेंबर है तो, आपका छोटा फैमिली है तो बहुत इजीली इसको आप यूज़ कर सकते हैं घर के लिए। सबसे बेस्ट रेफ्रिजरेटर होगा अंडर 15,000 में, ये दोनों रेफ्रिजरेटर आपको मिल जाएगा। इसका MRP प्राइस दोस्तों ज़्यादा है, 20,000 का अंदर आ जाएगा MRP प्राइस है इसका। दोस्तों, मार्केट में आप देखेंगे तो इसको आप 15,000 का अंदर आप मिल सकता है दोनों रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर लेने से पहले आपको 2-3 बात जानना चाहिए दोस्तों। रेफ्रिजरेटर आप मार्केट में जाते हैं तो ख़रीदने के लिए आपको जो आप पसंद आता है उसको आप लीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोग फ्रिज लेने से पहले 2-3 बात का आपको ध्यान देना चाहिए। आपका फ्रिज आपको लो इलेक्ट्रिक कंजप्शन आपको कम करता है करना चाहिए। एक रेफ्रिजरेटर लेने से पहले आपको देखना पड़ेगा उसका स्टार रैंकिंग के बारे में आपको जानना पड़ेगा, और इसमें आपको स्टेबलाइजर इनबिल्ड है कि नहीं उसका बारे में जानना पड़ेगा। दोस्तों, आज ये वीडियो में आपको एंड तक बने रहिए। अब टोटल इसमें आपको डिटेल्स जानकारी देंगे इस वीडियो में। ये दोनों रेफ्रिजरेटर को आपको कंपेयर करेंगे, देखेंगे उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है और वालपुल में भी क्या बेनिफिट मिलता है। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देर नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, ये दोनों रेफ्रिजरेटर को आप देख पा रहे हैं, ये सैमसंग का जो है 192 लीटर का है और वो वालपुल का देखेंगे तो 200 लीटर का है। दोनों का स्टोरेज कैपेसिटी लगभग सेम है, 182 लीटर का कैपेसिटी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये दोनों आपको 3-स्टार रैंकिंग में देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 3-स्टार होने से ये आपको इलेक्ट्रिक कंजप्शन जो पर ईयर होता है फ्रिज 24 आवर चलने से 162 यूनिट आपको पर ईयर सैमसंग में इलेक्ट्रिक कंजप्शन करेगा। उसके बाद देखेंगे तो वालपुल में ये भी 3-स्टार दोस्तों है, इसमें इलेक्ट्रिक कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा है, 170 यूनिट इसमें इलेक्ट्रिक कंजप्शन करेगा पर ईयर में। दोस्तों, इसका ग्रॉस वॉल्यूम 200 लीटर है, स्टोरेज वॉल्यूम 182 लीटर का। इसका भी आप देखेंगे तो ग्रॉस वॉल्यूम 192 लीटर का है, स्टोरेज वॉल्यूम 182 लीटर का है। ये दोनों रेफ्रिजरेटर दोस्तों इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ जाता है, जो कि इसको आप घर का इन्वर्टर है तो आपको ऑटो कनेक्ट करके इसको चला सकते हैं जी दोनों रेफ्रिजरेटर को। दोस्तों, इसमें आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कंप्रेसर दोनों रेफ्रिजरेटर आपको मिल जाता है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कंप्रेसर होने से क्या होता है ना, आपको इलेक्ट्रिक कंजप्शन बहुत कम आएगा। इसमें आपको स्टार्टअप कंप्रेसर नहीं होगा बार बार, इसमें आपको लॉन्ग लास्टिंग के लिए आपको बेस्ट रहेगा, जो कि साउंडलेस भी रहेगा दोनों। आपको आवाज़ नहीं आएगा, पहले जो फ्रिज आवाज़ आ रहा था इसमें वो चीज़ नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, इसमें आपको स्टेबलाइजर का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको स्टेबलाइजर 95 से टेकअप लेता है, जो कि 300 वोल्ट तक। इसमें आपको 100 वोल्ट से टेकअप लेगा, आपको 300 वोल्ट तक इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएट होगा तो ये फ्रिज ऑटोमेटिक आपको कंट्रोल करेगा। और अच्छा चीज़ इसमें आपको सैमसंग में देखेंगे तो इसमें आपको VDA सर्टिफाई करके दिया हुआ है, जो कि 21 ईयर्स रिलायबिलिटी बाई टेस्टेड VDA कंपनी है, उसको सर्टिफाई करके दिया हुआ है। इसका जो कंप्रेसर है 21 ईयर्स इसका रिलायबिलिटी है। फ्रेंड्स, इसका कलर पैटर्न तो अलग अलग आप देख पा रहे हैं, इसका वालपुल का आप देख पा रहे हैं, इसका हैंडल डिजाइन आपको मिल जाता है कुछ इस तरह का। और सैमसंग में देखेंगे तो इस तरह का कुछ आपको हैंडल देखने के लिए मिल जाएगा, और थोड़ा सा डबल डोर लुक्स डिजाइन आप देख पा रहे हैं, जो कि सैमसंग में इसमें आपको प्लेन रहेगा। उसके बाद देखेंगे इसका अंदर सेक्शन आपको क्या क्या मिलता रहता है दोस्तों। चलिए फ्रिज को खोल के देखते हैं। फ्रेंड्स, अंदर सेक्शन कुछ इस तरह का आपको स्टोरेज कैपेसिटी कर सकते हैं, जो कि आप सिंगल डोर में। इसमें ऊपर तरफ का बात करेंगे तो पहले मिल जाता है आपको फ्रीजर जोन। ये दोस्तों फ्रीजर जोन इस तरह का मिल जाता है, जो कि लामिनार एयर फ्लो भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि हर तरह और कुछ सामान रखते हैं तो परफेक्टली आपको कूलिंग मिल सकता है इसमें आपको। और इसको दोस्तों टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इधर आप देख सकते हैं, लो मीडियम हाई 3 स्विच रहता है। इसमें आपको एडजस्ट करना है 1 से 6 तक। इसको आप जहां पर अपना अकॉर्डिंग हिसाब से इसको रख सकते हैं। कभी भी इसमें आप और फुल हो जाता है तो आप इसको आप डिफ्रॉस्ट बटन मिल जाता है, इसको थोड़ा होल्ड करेंगे तो वो अंदर चला जाएगा, जब डिफ्रॉस्ट हो जाएगा वो बाहर चला आएगा स्विच। आप नीचे एक चिलो ट्रे मिल जाता है, आप अपना अकॉर्डिंग मिल्क आइटम कुछ भी रख सकते हैं इसमें।
ये दोनों आपको टॉप फोन ग्लास दो ठो मिल जाता है दोस्तों। टॉप फोन ग्लास होने से ये क्या होगा ना, 175 kg तक वजन इसमें आपको संभाल पाएगा, क्योंकि ये आपको थर्जन ग्लास देखने के लिए मिल जाता है, दो ठो सेल्फ रैक देखने के लिए मिल जाता है, नीचे एक वेजिटेबल बॉक्स का आप रैक भी देख सकते हैं, ऊपर तरफ अपना अकॉर्डिंग हिसाब से कुछ सामान इसमें रख सकते हैं। इसमें दोस्तों वेजिटेबल बॉक्स आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह का वेजिटेबल बॉक्स इसमें आप, इसमें आपको आइस क्यूब ट्रे देखने के लिए मिल जाता है एक, जब भी बर्फ बनाएगा इसमें उसको आप ऊपर रख के बना पाएंगे, और लेग दो ठो देखने के लिए मिल जाता है इसमें, और मॉइस्चर कंट्रोल करने के लिए इसमें आपको हनी क्रिस्पर देखने के लिए मिल जाता है इसमें, जो कि ज़्यादा दिन तक सब्जी वगैरह को फ्रेशनेस रखेगा। फ्रेंड्स कुछ इस तरह का आपको वर्लपूल में आप देख पा रहा था इसका स्टोरेज। चलिए देखते हैं सैमसंग में। फ्रेंड इसका आपको फ्रीजर सेक्शन आप देख पा रहे हैं, ऊपर तरफ से फ्रीजर सेक्शन मिल जाता है, जो कि इसमें आपको लाइन बाय लाइन होकर कोयल देखने के लिए मिलता था आपको वर्लपूल में। इसमें आपको ड्रॉप एंड कोयल मिल जाता है, जो कि इजीली बर्फ को रिमूव कर सकते हैं इसमें दोस्तों। इसका भी कंट्रोल इधर कर सकते हैं आप, वंस 1 से 6 तक दिया हुआ है, जो विंटर हो गया, मानसून हो गया, समर हो गया, अपना अकॉर्डिंग हिसाब से इसको एडजस्ट करके रख सकते हैं। जब डिफ्रस्ट करना है तो इसको आप दबा देना है, ऑटोमेटिक डिफ्रस्ट हो जाएगा कभी भी बर्फ में आता है उसमें। इधर भी आपको दो सेल्फ देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों, जो कि थाउजेंड ग्लास में, इसमें भी 175 kg तक वजन इसमें आपको संभाल पाएगा। और नीचे भी वेजिटेबल बॉक्स बिगर साइज का मिल जाता है, जो कि अप टू 15 डेज तक फ्रेशनेस भी इसमें रखेगा। इसमें आपको आइस क्यूब ट्रे देखने के लिए मिल जाता है, और इसमें आपको कुछ इजोर मैनुअल गाइड भी दिया हुआ है दोस्तों। इसका डोर सेक्शन का बात करेंगे तो दोस्तों इसमें आपको एंटी बैक्टीरिया गैसकेट मिल जाता है, जो कि खोल के इजीली इसको साफ कर सकते हैं, जो कि एंटी बैक्टीरिया गैसकेट मिल जाता है इसमें। रिया के ऊपर एक मिल जाता है, दो ठो एक ट्रे देखने के लिए मिल जाता है इसमें, और भी नीचे एक रैक दिया हुआ है, नीचे बोतल गार्ड आपको मिल जाएगा। ये गया डोर सेक्शन का बात दोस्तों। देखेंगे तो आपको वर्लपूल में डोर सेक्शन का बात, इसमें भी आप एंटी बैक्टीरिया गैसकेट मिल जाता है, जो कि खोल के इजीली इसको साफ कर सकते हैं। बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी आप इसमें जमेगा तो इजीली इसको खोल के साफ कर सकते हैं। ऊपर एक रैक मिल जाता है, एक मेडिसिन जोन मिल जाता है इसमें आपको डोर सेक्शन में। इसमें बोतल गार्ड मिल जाता है, अपना अकॉर्डिंग हिसाब से कुछ भी इधर रख सकते हैं। नीचे दो ठो रैक देखने के लिए दोस्तों मिल जाता है इस। ये दोनों रेफ्रिजरेटर आप देख लिया है दोस्तों, कुछ इस तरह का डिजाइन लुक्स आप मिल जाता है आप घर के लिए। ये दोनों को आप चॉइस कर सकते हैं अपना हिसाब से, आपको सैमसंग लेना है या वर्लपूल लेना है, दोनों का ट्रस्टेड ब्रांड है। आप कहाँ पर भी जाता है इसको होम टू होम सर्विस भी आपको मिल जाता है दोस्तों। ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो इस चैनल में देखने के लिए मिलता है हर दिन, कुछ ना नया नया प्रोडक्ट। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।